वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है टेक्नोमैन। और आज हम देखेंगे सैमसंग J7 मैक्स की टियर डाउन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, चलिए देखते हैं। पहले तो इसे हीट अप करेंगे क्योंकि जो भी हीटी से ग्लू है उसे निकाल सके हम लोग। और आगे देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चिप्स है, क्या क्या आईसीज लगा हुआ है और सक्शन कप से इसे निकालेंगे। निकलो निकलो निकलो। बेसिकली दोस्तों इसका एक प्रॉब्लम ये है कि हम 90% तक डिस्प्ले को डैमेज कर पाते हैं, मतलब हो जाता है ये डिस्प्ले डैमेज। क्यों पता नहीं सैमसंग इररिप्लेसिबल फोन्स क्यों आजकल बना रहे हैं, लाइक मतलब बाहर वाले इसे बिना तोड़े मरोड़े इसे ठीक नहीं कर पाते हैं। अगर बंदा प्रोफेशनल है तो आराम से कर लेगा, लेकिन ज़्यादातर तो केसेस में यही होता है कि इसका डिस्प्ले डैमेज हो ही जाता है। तो देखेंगे हम लोग इसके शीट्स निकल रहे हैं LCD के, इसे डिटैच करेंगे। सबसे पहले तो ये हीटेसिव निकालना पड़ेगा। हमें इसके स्ट्रिप डिटैच करनी पड़ेगी। ग्राफाइट शीट भी नीचे गिर गई यार। डिटैच। और अंदर का नजारा देख सकते हैं। अभी इसे हम और खोलेंगे, इसके फिलिप्स हेड स्क्रूज को भी अनस्क्रू करना है। अभी तक हमें बेसिकली बहुत सारे स्क्रूज दे के रखे सैमसंग ने, पता नहीं क्यों हर एक फोन में इतने स्क्रूज देते हैं। डिस्प्ले के बारे में हम लोग और बातें करेंगे। ये इसका बॉडी है, बॉडी वैसे तो प्लास्टिक की बनी हुई है सैमसंग, पता नहीं आजकल प्लास्टिक के साथ कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया है। एक ग्राफाइट शीट है और ये है TFT ग्लास पोलराइजर। एक्चुअली ये लिक्विड क्रिस्टल से भी भरा होता है लेकिन इस फोन में ऐसा कुछ है नहीं, बट वो ऊपर की साइड होता है और ज़्यादातर तो वो उड़ जाता है जब हम डिस्प्ले को डिटैच करते हैं या फिर खोल देते हैं या फिर फूट जाता है जब इसके अंदर एयर जाने के लिए बहुत सारी जगह हो। और यहाँ पर है ही इसके अंदर लिक्विड, आप देख सकते हैं। इसे पूरी तरह से खोल नहीं पा रहा हूँ मैं, इसे पूरा हीट अप करना पड़ता है। तो स्क्रूज खोलते हैं अभी हम लोग। अनस्क्रू अनस्क्रू अनस्क्रू। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट का है और बेसिकली ये बॉडी है प्लास्टिक की बनी हुई। यार मेटल फ्रेम देते तो ज़्यादा अच्छा होता था, बट पता नहीं सैमसंग मेटल फ्रेम देना क्यों बंद कर रहे हैं। बेसिकली बॉल्स नहीं है इसके अंदर। बॉल्स से एक सीन ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा क्लियर आवाज़ मिलती है। इसका फ्रंट कैमरा डिटैच करेंगे, प्राइमरी कैमरा विद नो इमेज स्टेबलाइजर। और आगे देखेंगे और सारी चीज़ें। इसकी बैटरी है कम से कम 3400 mAh की। फिंगरप्रिंट सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर इसका अभी तक ख़राब नहीं हुआ, ये वर्किंग में है फिंगरप्रिंट सेंसर। और इसका वाइब्रेशन मोटर और बैटरी डिटैच करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं होगी क्योंकि मेरे पास अल्कोहल है नहीं जो कि मैं इसे डिटैच कर पाऊँ फोन की फ्रेम से। और आगे देखेंगे इसका पावर IC, पावर एम्पलीफायर, एंटीना स्विच और EEPROM और फ्लैश IC और फिर आता है चार्जिंग IC। इन सब से मिलकर बनता है एक फ़ोन और ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं ICs अपने, लाइक अगर हम कंपेयर करें अपने फर्स्ट इसरो मिशन से तो ये फ़ोन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। आज हम लोग एक रॉकेट से भी ज़्यादा पावरफुल फ़ोन पॉकेट में लिए घूमते हैं। कैन यू इमेजिन, टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल चुकी है। इसका डिस्प्ले का IC है। बेसिकली ये IC को फ्रीडमली रखा हुआ है क्योंकि इस IC का काम होता है कि
हर एक प्रोसेस को सीपीयू तक ले जाना और फिर आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट करना ताकि आपको आपके फ़ोन पर ज़्यादा अच्छा रिफ्रेश रेट मिले जब हम गेम खेल रहे हो। इसीलिए तो आजकल हर्ट्ज में गिना जाता है, लाइक 120 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज और मोस्ट ऑफ ऑल फ़ोन 60 हर्ट्ज के होते हैं और ज़्यादातर तो LCDs होते हैं। अगर हम LEDs की बात करें तो अगर ये डिस्प्ले देखने में कुछ अलग मिलता था हमें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस आउट टेक्नोमैन।